आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामला मध्यस्थों को सौंपा, कहा 4 से 8 हफ्तों में खत्म करें प्रक्रिया। मोदी ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का शिलान्यास, कहा आज मुक्ति का पर्व है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की सीट, सोनिया राहुल मुलायम लड़ेंगे चुनाव। भारतीय क्रिकेट टीम रांची वनडे में आर्मी कैप पहनकर मैच खेलने मैदान में उतरी, मैच फीस करेंगे शहीद परिवारों को समर्पित। सलमान खान करेंगे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की पुष्टि। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय से लंबित पड़ा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मध्यस्थों को सौंप दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहे, इस पर कोर्ट की नजर रहेगी। प्रक्रिया 4 हफ्तों से शुरू होकर 8 हफ्तों में खत्म होगी। मध्यस्थता की बातचीत फैजाबाद में होगी। पैनल की अध्यक्षता जस्टिस खुली फुल्ला करेंगे। मध्यस्थता पैनल में श्री श्री रविशंकर और वकील श्री राम पंचू भी शामिल होंगे। अयोध्या विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्यस्थों को सौंप दिया है। मध्यस्थता की बातचीत फैजाबाद में होगी। जस्टिस खलीफुल्ला मध्यस्थता पैनल की अध्यक्षता करेंगे। इस पैनल में श्री श्री रविशंकर और वकील श्री राम पंचू भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल 4 हफ्ते में मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाने की प्रक्रिया शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते में यह प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में होगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो मध्यस्थता और लोगों के पैनल में ले सकती है, शामिल भी कर सकती है, वे कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। मध्यस्थों को उत्तर प्रदेश सरकार फैजाबाद में सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, श्री श्री रविशंकर ने ट्वीट किया और जिसमें लिखा है, सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि हमने इतिहास पढ़ा है, हम इतिहास जानते हैं, अतीत में जो हो चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना था कि एक बार मध्यस्थता शुरू हो जाती है तो इसके बाद हम किसी चीज को बांध नहीं सकते। संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों के मध्यस्थता पैनल के लिए नाम देने के लिए कहा था ताकि जल्द ही आदेश निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर 5 जजों की बेंच में सुनवाई चल रही है। बेंच में 5 जज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नाजिर शामिल हैं। 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में मध्यस्थ के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर सहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि 1% गुंजाइश होने पर भी मध्यस्थ के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को 3 नाम सुझाए थे। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे एस खेहर और पूर्व जस्टिस ए के पटनायक के नाम दिए गए। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा, यह दिमाग, दिल और रिश्तों को सुधारने का प्रयास है। इस मामले को गंभीरता से लेकर सचेत रहें। हम जानते हैं कि इसका क्या असर होगा, हम इतिहास भी जानते हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबर ने जो किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी चिंता केवल विवाद को सुलझाने की है, इसे हम जरूर सुलझा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि आज मुक्ति का पर्व है। मंदिर के चारों तरफ काफी इमारतें थी। भोले बाबा को भी सदियों से सांस लेने में दिक्कत होती रही होगी, लेकिन इमारतों को सरकार ने एक्वायर किया है। मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने जहां जितने अफसरों की टीम लगाई, वह पूरी टीम भक्तिभाव से इस काम में लगी है, दिन रात इस काम को पूरा करने में लगी है। लोगों को समझाना, इतनी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करना, विरोधियों को भी नियंत्रित करना, यह सब काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मोदी ने कहा, मैंने आसपास रहने वाले लोगों से आग्रह किया था कि बाबा का काम है, आप लोग जगह छोड़ दें। करीब 300 प्रॉपर्टी थी, लोगों ने छोड़ दी। मैं उन लोगों का भी यहाँ से सांसद के रूप में उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इसे अपना काम मानकर सहयोग किया। यह स्थान सदियों से दुश्मनों के निशाने पर रहा, लेकिन यहाँ की आस्था ने इसे पुनर्जीवित किया। जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो उनके मन में भी पीड़ा थी कि बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने अपनी पीड़ा BHU में व्यक्त भी की थी। अहिल्याबाई ने 225 साल पहले इस काम का वीड़ा उठाया था, तब इसे एक रूप मिला। सोमनाथ में भी उन्होंने काफ़ी अहम काम किया। बीच के कालखंड में किसी ने बाबा भोलेनाथ की चिंता नहीं की। 40 से अधिक पुरातत्विक मंदिर यहाँ मिले। आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का अवसर भी आ गया है। मुझे लोगों ने बताया कि सदियों में पहली बार यहाँ इस साल ऐसी शिवरात्रि मनाई गई। एकदम खुला परिसर था, लाखों की भीड़ थी। अब माँ गंगे के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया गया है। गंगा में स्नान करते समय अब सीधे बाबा भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका सकते हैं। पुरातत्वीय चीजों को बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, इसका बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर में निर्माण कार्य में दिखाई देगा। यह पूरा परिसर काशी विश्वनाथ परिसर के रूप में जाना जाएगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। शायद परमात्मा ने यह कार्य मेरे ही नसीब में लिखा था। जब मैं 2014 में यहाँ आया था, तब मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की नींव रखेंगे। इस योजना में काशी विश्वनाथ के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके बाद वह बाड़ालालपुर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में स्वावलंबन की मिसाल बनी 11 महिलाओं से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में सबसे ऊपर सोनिया और राहुल गांधी का नाम है। यूपी से समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की भी खबर है, जिसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह का नाम भी है, जो मैनपुरी से एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शुक्रवार को पार्टी के 6 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में मुलायम सिंह यादव का नाम तो है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम नहीं है। मुलायम सिंह यादव अपनी पुरानी लोकसभा सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वह आजमगढ़ से सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव को बदायूं, अक्षय यादव को फिरोजाबाद, कमलेश कठेरिया को इटावा सुरक्षित, भाई लाल कोल को रॉबर्टसरगंज सुरक्षित तथा शब्बीर वाल्मीकि को बहराइच सुरक्षित से प्रत्याशी बनाया गया है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों के सम्मान पर भारतीय क्रिकेट टीम रांची वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आर्मी कैप पहनकर मैच खेलने मैदान में उतरी है। टॉस से पहले ये टोपियां खुद महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सौंपी। BCCI ने भारतीय सेना के पराक्रम, बलिदान और साहस का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया है। इतना ही नहीं, टॉस के दौरान विराट ने बताया कि टीम के सभी खिलाड़ी आज की मैच फीस पुलवामा हमले में शहीद परिवारों को समर्पित करेंगे। यह सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी ने BCCI को दिया था। दरअसल धोनी प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। इसकी शुरुआत तीसरे वनडे मैच से हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। हर सीजन में भारतीय ग्राउंड पर होने वाले किसी एक मैच में टीम इन कैप्स को पहनकर खेलेगी। आर्म्ड फोर्स के लिए माही के बेइंतहा प्यार को देखते हुए ही इसे धोनी के होम ग्राउंड रांची से शुरू किया गया है। धोनी और कोहली खुद ब्रांड नायक के साथ मिलकर इस पर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। इसके पहले BCCI ने भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारतीय जर्सी समर्पित की थी। दरअसल पाकिस्तान में बंधक बना लिए गए भारतीय वायुसेना के इस जांबाज अधिकारी की घर वापसी पर विश्व कप के लिए रिलीज की गई जर्सी BCCI ने अपने ऑफिशियल ट्विट हैंडल से पोस्ट की थी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। पहला दिन है, पूरा विश्व ये दिन मना रहा है और महिलाओं को शुभकामनाएं देता है। मैं भी आज सभी देश की महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। महिला सेवा भाव से काम कर रही है, परिवार को संभाल रही है, अपनी बेटियों को पढ़ा रही है, अपने आप तालीम लेकर अपना कुछ न कुछ नया काम कर रही है और आर्थिक उपार्जन भी कर रही है। जब तक महिलाओं की शक्ति देश के विकास में जुड़ेगी नहीं, तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। अफसोस से बहुत गलत चीजें हैं कि मध्य प्रदेश जो है हमारा महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश में नंबर वन है। इसको कहीं ना कहीं हमें दूर करने की आवश्यकता है और मैं समझती हूँ कि शासन के साथ साथ समाज के हर अंग को, खास करके महिलाओं को, इसमें आगे आना चाहिए और हम लोग को मिलजुल कर सहयोग करके इस कलंक को दूर करना चाहिए। मैं सभी से केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी सभी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, मुझे उन सबसे बस एक ही बात कहना है कि आप जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए कभी इस बात की रास्ता मत देखिए कि कोई आएगा और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जाएगा। आप उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए और मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि आप महिला हैं, आप ऐसा सोचेंगी तो पहले ही कमज़ोर हो जाएंगे। आप सोचिए हम महिला हैं तो और ज़्यादा ताकत मिलेगी आपको। और किसी भी फील्ड में आप कभी ये मत सोचिएगा कि पुरुषों, ये पुरुष हैं, इनको ये सुविधाएं मिल रही हैं, हम महिला हमको इनसे ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए। अरे जब हम कंपटीशन कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन तो उन्हीं से है। और ये कभी मत भूलिए कि हमारा देश तभी वो ऊंचाइयां पा सकता है जब हमारे देश की आधी आबादी जो महिला हैं उनके अंदर की ऊर्जा को अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँ तो शायद वो अचीवमेंट हम लोग नहीं पा सकते। लेकिन महिलाओं के लिए भी उतना ज़रूरी कि वो अपने अंदर की ताकत को पहचाने और जो अंदर की ताकत है उसी के आधार पर काम करें। मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं तमाम हमारी बहनों को देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मध्य प्रदेश में अब सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार के चलते महिलाओं को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा, ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार महिला अत्याचार के प्रति भी ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी, इस बात का भी मैं बहनों को विश्वास दिलाती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी जो लड़ाई महिला आरक्षण बिल की चली आ रही है, जो राजीव जी का सपना अधूरा है अभी, उस और हम प्रयत्न करते रहेंगे। आदरणीय राहुल जी ने इस बात को का वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में जब आएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से तो वो अवश्य महिला आरक्षण बिल पास करेंगी, जिससे कि महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में भी अपना अधिकार पाएं और इस देश को चलाने की जवाबदारी में अपनी भागीदारी पूर्णतः दे पाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने मदन महल रेलवे स्टेशन का नाम पिंक स्टेशन करने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्टेशन की खास बात यह है कि स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मियों को दी जाएगी। भारत में गुजरात राज्य के बाद मध्य प्रदेश में पिंक स्टेशन की शुरुआत की जा रही है। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर का मदन महल रेलवे स्टेशन 8 मार्च से पिंक स्टेशन हो जाएगा। इसके लिए रेलवे ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। रेलवे ने यह फैसला विश्व महिला दिवस के अवसर पर लिया है। मदन महल स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लेकर उनकी दी जाने वाली सुविधा की जिम्मेदारी महिला कर्मी ही करेंगी। रेलवे विभाग ने इसके लिए करीब 2 दर्जन महिला कर्मियों के तबादले DRM वाणिज्य विभाग के लिए किए हैं। देश में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को देखते हुए विश्व महिला दिवस के अवसर पर मदन महल स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन तो बना दिया गया है, लेकिन महिला कर्मियों की आवश्यकता का ध्यान रेलवे प्रशासन ने नहीं किया है। रेलवे विभाग थोड़े से समय में मदन महल रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन बनाकर उपलब्धि पाना चाह रहा है, लेकिन महिलाओं को होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने महिलाओं को होने वाली समस्याओं को शीघ्र दूर करने की बात कर रही है। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर
मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है और वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उसमें महिलाओं को ही पदस्थ किया गया है और ये रेलवे प्रशासन ये प्रक्रिया करीब 15 दिनों के अंदर पूरी कर ली गई है। एक मतलब एक ये सोच आया कि इसको महिलाएं यहाँ पर कोई काम करे और इसको पिंक स्टेशन का एक दर्जा दिया जाए। ये भारतीय रेल में मेरी समझ से ये दूसरा स्टेशन है, पहला कहीं गुजरात में है और ये दूसरा स्टेशन अपना यहाँ पर है और ये इसमें जितने भी विभाग के लोग हैं सब महिलाएँ पदस्थ किए गए हैं और ये बहुत एक नारी सशक्तिकरण की ओर बहुत ही अच्छा एक कदम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक सरस्वती शिशु मंदिर केदारधाम में शुरू हुई। बैठक में सर संघ संचालक मोहन भागवत सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पहला प्रस्ताव सबरीमाला मंदिर को लेकर और दूसरा कुटुंब व्यवस्था को लेकर रखा गया है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिवेदन भी रखे। सभा की बैठक में 1400 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक की तैयारी में भागवत व अन्य केंद्रीय पदाधिकारी 2 मार्च से ही ग्वालियर में थे। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक कॉलोनी की सकरी गली में एक छोटा बच्चा भागती हुई भैंसों के झुंड में गिर गया। इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये पूरा वाक्य गली के एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें देखकर एक पल को आपकी धड़कनें रुक जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तस्वीरें शिवपुरी के करेरा कॉलोनी की एक गली की हैं, जहां एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान भैंसों का एक झुंड तेज गति से दौड़ता हुआ गली में पहुंचा। बच्चा इसी झुंड में फंस गया। ये भैंसें बच्चे के बहुत करीब से गुजर गईं और बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। घबराया बच्चा गली के कोने में खड़ा हो गया। भैंसों की इस दौड़ में गली में खड़े कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद गली के लोग दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे और उसे सही सलामत घर पहुंचाया। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जिसने भी इसे देखा वह हैरान हो गया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा इस घटना में बाल बाल बचा है। भैंसों की टक्कर से खड़े वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों की परेशानी का सबब बने एक पखवाड़े से भटक रहे टाइगर को गुरुवार दोपहर में STR की टीम ने बेहोश कर पकड़ लिया है। टाइगर का मूवमेंट 2 दिन से राख बांध के लाल चौकी के पास मिल रहा था। इसकी सूचना के बाद STR वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के करीब 125 कर्मचारियों की टीम ने टाइगर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले के उत्तर वन मंडल की सारणी रेंज के जंगल और सारणी के रहवासी इलाकों के आसपास टाइगर भटक गया, जिसकी वन विभाग को कई दिनों से तलाश थी। इसकी सूचना के बाद STR वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के करीब 125 कर्मचारियों की टीम ने टाइगर को गुरुवार सुबह 11:30 बजे टैकलाइज करने के काम शुरू कर दिया। 4 हाथियों की मदद ली गई, उससे चारों तरफ से घेर लिया गया। हाथी पर बैठकर वन विभाग की टीम ने एक्सपर्ट शूटर से टाइगर को इंजेक्ट किया और पकड़ने में सफलता हासिल की। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि टाइगर को वन विहार भोपाल ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर में भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से यह टाइगर साणी इलाके में आ गया था, तब भी उसे टैकलाइज कर पकड़ा गया था, टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया था। यह टाइगर दूसरी बार साणी इलाके में आया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुत बहुत नमस्कार। और महिलाओं से ज़्यादा मुझे लगता है कि पुरुषों को मुझे महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आज के दिन हम लोगों को विमेन प्रेस क्लब जो है मध्य प्रदेश का, उन्होंने कुछ महिलाओं को अंकित करा, सूचित करा, हमसे बात करी और हमें अवार्ड दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है कि जो महिलाएँ अच्छा काम कर रही हैं वो कभी भी डिमोटिवेट ना हों, तो उनको मोटिवेट करने का काम आज प्रेस क्लब कर रही है और मीडिया के भाई बंधु हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
तो आज हमारे देश में अगर हम सिर्फ महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो पूरा एक से है मार्केट के अंदर, या हम कहें कि लोकसभा में राज्यसभा में टोटल मिला के शायद 14% है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मोदी सरकार जो है एक तो वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिलाएँ जब एक पद पर होती हैं तब वो बाकी महिलाओं को अगर एम्पावर कर पाएँ तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और सभी परिवार वालों को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि महिला सशक्त रहें तो उसकी जो शुरुआत है वो अपने घर से करी, अपनी बेटी से करी, अपनी माँ से, अपनी बहन और अपनी वाइफ से करिए। अगर आप महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिवस के उपलक्ष में जनरली आपने देखा होगा कि जब भी महिला दिवस आता है तो हर जगह महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, लेकिन रियल जिंदगी में अगर देखा जाए तो ये औपचारिक रह जाता है। तो हम एक दिन क्यों, हमारा जो वुमेंस प्रेस क्लब मध्य प्रदेश है महिला पत्रकारों के लिए एक उत्थान के लिए काम करता है ताकि हम मिलजुल कर कैसे अपने इस करियर बना सकें, कैसे इस मीडिया के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। और जो आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है ऐसे में महिला पत्रकारों की विश्वसनीयता और बहुत चुनौतियाँ हैं अगर देखा जाए इस फील्ड में। अभी पहले जैसा नहीं रहा, हमको रात में भी हार्ट बीट भी क्राइम के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पहले महिलाएँ क्राइम के क्षेत्र में क्राइम बीट नहीं लेती थी, आजकल लेकिन महिलाएँ हार्ट बीट लेती हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, चूँकि वुमेंस प्रेस क्लब मध्य प्रदेश पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, प्रदेश में हमारे करीब 1000 मेंबर हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, जिलेवार हमारी समितियां गठित हैं जो काम करती रहती हैं, समय समय पर हम टॉक शो भी आयोजन करवाते हैं ताकि महिला पत्रकार आने वाले चुनौतियों से रूबरू हो सके, निदान कर सके। और आज का जो भोपाल में हमारा ये पहला कार्यक्रम है, इंदौर में इसके पहले हमारे बड़े बड़े शो हो चुके हैं, पिछले हर अंतर्राष्ट्रीय आज का जो पूर्व संध्या पर हम आज कार्यक्रम करते हैं। और जो मीडिया के क्षेत्र में जो महिलाएं कार्यरत हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा महिला मंच है, वुमेंस प्रेस क्लब मध्य प्रदेश है, पूरी महिला जो प्रदेश में सक्रिय है उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और रहेगा। और समय समय पर हम ऐसे आयोजन करवाते रहेंगे ताकि हमें एक नई दिशा मिले और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम नई बुलंदियों को छुए। वुमेंस डे पे सकारात्मक सोचिए, मैसेज देना चाहते हैं कि घर में मत रहिए, बाहर निकलिए, पर्यावरण को बचाइए, जितना भी समाज को दे सकते हैं उतना दीजिए। और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परिवार के साथ साथ, और वुमेन डे हमारे लिए 365 दिन होता है, एक दिन नहीं होता, फिर भी अगर सेलिब्रेशन है तो हम लोग खुश हैं। हम लोगों ने संदेश दिया सबको थैले दे करके कि पॉलिथीन का पूर्णतः बहिष्कार करें, अपने देश की मदद करें कचरा कम करने में, और सोचें कि इस देश को हम क्या दे सकते हैं। अगर हम ले रहे हैं वो तो बहुत कुछ है कि हम जिंदा इस देश की वजह से हैं, तो हम दे क्या रहे हैं इसको सुनिश्चित करें। मैं सभी मेरी प्रियजन महिला सखी संबंधी और कलीग्स को विमेंस डे पे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मेरा यही आग्रह है विमेंस से, महिला परिजनों से, कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और अपनी महिला साथियों के लिए हमेशा जागरूकता फैलाएं। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वुमेंस डे पर मैं भोपाल पुलिस की तरफ से आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ, आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, जहाँ भी जाएं पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से जाएं, कब किस समय क्या घटना होगी, उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या हेल्प लेनी है, इसके लिए जागरूक रहें। हमारी मैत्री मोबाइल है जो पूरे समय पर पूरे भोपाल में गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, तो आप उसकी जानकारी रखें, और कभी भी कोई भी समस्या आती है आप 1090 पर कॉल करें, मैत्री मोबाइल को कॉल करें, डायल 100 को कॉल करें, बस मेरा यही संदेश है, आप लोग सुरक्षित रहें। मैं विभांशु जोशी, आज यहाँ पर महिला प्रेस क्लब द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिला पत्रकारों का भी सम्मान है और समाज सेवा में क्षेत्र में जुड़ी हुई महिलाओं का भी यहाँ सम्मान है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह चल रहा है, पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के संबंध अधिकारों के संबंध में कार्यक्रम हो रहे हैं। 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा करी थी और तब से लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के तमाम देशों में महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भोपाल भी उस कड़ी में एक हिस्सा है और भोपाल का मीडिया, देखिए मीडिया कहा जाता है चौथा स्तंभ, यदि मीडिया इस तरीके के आयोजन करता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को आगे ले आता है, महिलाएँ बहुत संवेदनशील होती हैं, वो ह्यूमन स्टोरीज महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये जो 2019 की जो थीम है वो भी बिल्ड स्मार्ट कहती है कि महिलाओं को स्मार्ट बनाओ और कुछ इनोवेटिव करो, तो ये थीम हमें
आगे आना चाहिए और पुरुषों को जो आधी आबादी की मदद के लिए पुरुषों को आगे आना चाहिए और हमें जो जेंडर इक्वलिटी की बात करनी चाहिए उनके ऐसी दुनिया में जिस तरीके की बात हो रही है जेंडर इक्वलिटी की, जो हमारा संविधान भी अनुच्छेद 15(3) में इस बात को कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए जाएँ। देख रहे हैं दखल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भव्य स्वागत किया गया। उड़ीसा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र सहित चुनावी जिम्मेदारियों के लिए उड़ीसा के प्रभारी बनाए गए सिंहदेव रायपुर से स्टेट प्लेन से भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक रास्ते भर सिंहदेव का स्वागत बड़ी जोरदार तरीके से हुआ। सिंहदेव ने उड़ीसा कांग्रेस की अहम बैठक पर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। कटक में एक आम सभा को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। आम सभा के बाद सिंहदेव दिल्ली रवाना हो गए, जहां वे देश में होने वाले लोकसभा के मुद्दे नजर पार्टी हाईकमान राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। सरकारी लापरवाही में गरीब हमेशा पिसता है। दर दर भटकता एक गरीब पीड़ित सरकारी आश्वासन में ऐसा फंसा कि मंगलदीन ने कुछ हजार की स्टेशनरी छात्रावास में सप्लाई की थी, जिसका भुगतान कई दिनों से लंबित है, जिसके लिए वो कई जगह भटक चुका है, मगर सिवाय आश्वासन के उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। थक कर मंगलदीन ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से शिकायत की है। सटाई में पदस्थ छात्रावास अधीक्षक हरिओम द्विवेदी ने मंगलदीन की दुकान से 70,000 रुपए की स्टेशनरी छात्रावास के लिए ली थी, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। मंगलदीन ने हर स्तर पर अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हाथ आज भी खाली है। मंगलदीन का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का संरक्षण अधीक्षक को प्राप्त है, इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने पत्र लिखकर इसकी शिकायत पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र खटीक को टिकट न देने की मांग की है। वहीं जब मंत्री जी से संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जांच करवाएंगे। अधिकारियों के टाल मटोल रवैये से हताश पीड़ित दर दर न्याय की गुहार लगाता फिर रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी एक महीने बाद जांच की बात कहकर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। मेरी दुकान स्टेशनरी की है सटाई में, और मेरा सामान स्टेशनरी की सामग्री बालिका छात्रावास में गई थी। वहाँ की जो अधीक्षा है हरिओम दुबे जी, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए सर, और हरिओम दुबे जी के ऊपर बीएन खटीक का पूरा हाथ है सर। मैं 2017 से परेशान हूँ सर, इसलिए मैंने शिकायत कलेक्ट्रेट में, जिला शिक्षा केंद्र में, और एसपी साहब लो और मोदी जी, हाँ मैंने पत्र लिखा है, और अमित शाह जी को कि मोदी अमित इनको सांसद वीरेंद्र खटीक को टिकट न दी जाए, और इसका टिकट दी जाएगी तो हम पूरी कुशवाहा समाज, पूरे नगर सटाई के जितने लोग हैं सब लोग विरोध करेंगे, एक भी वोट नहीं दी जाएगी वीरेंद्र खटीक को। सटाई अधीक्षिका की जो है, मतलब जो भी जांच है उस जांच के अंतर्गत निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा कार्रवाई मैं करूंगा, और नियम अनुसार जो है जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे मैं कदम उठाने के लिए तत्पर रहूँगा। ना तो मैंने एक फ़ोन कभी TI के लिए किया है, और ना ही एक फ़ोन कभी SP को किया है। इसके कार डिटेल भी देखे जा सकते हैं, और ना इस ऐसे मामलों में, ना इस तरह के कोई मामलों में। सलमान खान अब जल्द ही मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जब अपनी सरकार के 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, तब उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए सलमान खान को ब्रांड बनाया जाएगा। सलमान खान मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं, इसलिए वे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए तैयार भी हो गए। आने वाले दिनों में सलमान खान मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करते नजर आएंगे। जी हाँ, खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने फिल्म अभिनेता सलमान खान से चर्चा की है, वो इंदौर से हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मध्य प्रदेश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। इस पर सलमान खान ने हामी भरी है। कमलनाथ ने टूरिज्म, हेरिटेज सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छा जाहिर की है। वो 1 से 18 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि सलमान खान जल्द ही दबंग 3 की शूटिंग के लिए माहेश्वर आने वाले हैं। इसी दौरान सलमान खान मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग से जुड़ी फिल्म के लिए भी काम कर सकते हैं। सलमान खान इंदौर के हैं, उनके रिश्तेदार अभी भी इंदौर में रहते हैं, और अब सलमान खान मध्य प्रदेश के होने का फर्ज निभाएंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा नहीं, हर रोज की तरह भैरन समाचार सुनाएंगे जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और मेरे को गर्मी में बहुत ठंड लगती है, इसलिए टोपी लगा लेता हूँ, बता रही हूँ। और भैया देश में बहुत चाँव चूँ मछली है, कल्लन मियाँ या जरा यार इनके सबके मुंह में है बिरयानी डालो, थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। मेरे खाने ने पका दिए नेताओं ने, बता रहा हूँ, बहुत दर्द हो रही है। और एक उमदा खबर बता रही हूँ, ये नितिन गडकरी है ना जो क्या कह रहे हैं पेशाब से यूरिया बनाएंगे, वो बता रहा हूँ इतना देश में उत्पादन होगा यूरिया का, विदेशों में भी सप्लाई करेंगे बता रहा हूँ। और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, बता रहा हूँ। लोग क्या है बोटलें ले लेके जाएंगे बाथरूम में, सबके बाथरूम में बोटलें भरी पड़ेंगी मिलेंगी, अब फ्री का पैसा किसको बेकार लगता है बता रहा हूँ। वो बता रहे हैं सुलभ शौचालय में जाएंगे लोग, वो कहेगा भाई ऐसे मत करो बोतल में करो, वही पैसे भी मिलेंगे बता रहे हूँ। ये होने वाले हैं, बता कितना बढ़िया न्यूज है हैं। और ये खबर, ये केजरीवाल है ना, इनको क्या है, ये कह रहा है मोदी है ना बूत मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इन्होंने है ना ये अपनी लोकसभा कैंडिडेट इन्होंने ही तो डिक्लेयर किए, तो बूथ किसको, बूथ की चिंता किसको पड़ी है, इन्हीं को पड़ी है। और बता रहे हूँ हमारा जो मिल्क बूथ है ना बहुत मजबूत है, मिल्क बूथ पे श्रीखंड मिलता है, रबड़ी मिलती है, पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, हम तो खा खा के ये मजबूत हो गए बता रहे हो, हमारा बूथ बहुत मजबूत है। हाँ, वो बता रहे हो ये एयर स्ट्राइक पर तो ऐसा अमृत मंथन चल रहा है देश में, वो ये एयर स्ट्राइक को लेके है ना लोग सबूत मांग रहे हैं, ये जो सबूत मांग रहे हैं जो नेता बता रहे हैं, कोई कह रहा है पेड़ पे गिरा दिए, पहाड़ों पे गिरा दिए बता रहे हूँ, ये सिद्धू विद्धू है बता रहे हो, इनको तो क्या करना चाहिए, मिराज से बांध के ले जाओ और इनके गले में एक टांग दो वो मोबाइल, तो रिकॉर्डिंग करके है ना खुद ही ले आएंगे, तब इनको सबूत मिलेंगे बता रहे हूँ। ये और वो अमित शाह हैं, वो भी है, वो भी काम नहीं है, वो कह रहा है 250 लोगों को मारा, आज तुम कहते क्या आप देखने हैं, वो बता रहा हूँ। अगर राजनीति भी करनी है तो बहुमत के लिए 272 चाहिए सीटें, 272 बोलो ना, ये तो चल रहा है बता रहे हूँ, लगे हुए हैं अमृत मंथन करने। वो बता रही है पाकिस्तान से खबर आ रही है, इन्होंने 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और मैं कह रही हूँ ये अब कहाँ से आ गए इनके पास, ये बहुत कहते थे ना हमारे पास नहीं है हमारे पास नहीं है, अब ये कौन से बिलों से निकाल के ले आ रहे हैं, अरे आतंकवादी देश हो भैया ये मान लो, और खुद भी परेशान हो रहे हैं दूसरी दुनिया को परेशान कर रहे हो, हाँ बता रही हूँ। और इंदौर है ना ये स्वच्छता अभियान में इंदौर पहला नंबर मार दिया इस बार, बहुत उम्दा मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मैं भोपाली भाइयों से कह रहा हूँ भैया ये पिच करना बंद कर दो, ये कहीं भी मार देते हो यार, भोपाल पीछे रह जाता है इस चक्कर में, कहीं भी कचरा फेंक दिया, पान के आगे धूक दिया, बीड़ी सिगरेट फेंक दी, ये चल क्या रहा बता रहे, शहर की अपने अपने शहरों की चिंता करो, सब स्वच्छ हो जाएंगे, सभी नंबर बनाएंगे बता रहे हूँ। हाँ, आखिर में भैया एक शेर सुन लो, बम 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 भोले, वो आतंकवादी ठिकानों पर बरसा दो गोले, मैं भी जा रहा हूँ बरसाने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।